Hi, for all nations, Old and New Testament ministry, welcome you all over the world. Today, I want to do a special presentation for my viewers who speak and understand Urdu. So this is going to be my first time on my Facebook be doing Urdu. So I'll do my best. So I'll probably share between Urdu and English, and it will be my privilege and my honor very much that I could share something today. So I greet all of you in the very precious name of our Lord Jesus Christ. Main aap sabko Khudawand Yeesu Masih ke naam mein salam kehta hoon. Main kafi der se soch raha tha ki main ek aisi presentation doon jo ke hamari mulk mein mulk Pakistan mein mulk India mein Bangladesh mein ya jin mumalik mein Urdu boli jati hai main unke sath kuch share kar sakun. To jaise ki aap se dekh sakte hain ki ye ek heart ka model hai aur ye mujhe mila tha mere Dr. Ali ne mujhe diya tha, to ye unka naam bhi likha hua hai. To आज मैं कुछ स्पेशल ये शेयर करना चाहता हूँ हार्ट के बारे में थोड़ा सा और हार्ट अटैक के बारे में. कुछ लोगों की डिफरेंट डिफरेंट रायज होती हैं, कुछ लोग पाकिस्तान में कुछ लोगों की डिफरेंट राय और डिफरेंट आइडिया हैं या डिफरेंट सोच है कि हार्ट कैसे फंक्शन करता है या क्या है. तो मैं इंस्टेड ऑफ पूरी डिटेल में जाने की बजाय मैं इसका जो की पॉइंट वो ये बताना चाहता हूँ कि एक तो हार्ट अटैक बहुत सारी किस्मों के हैं, लेकिन मैं मेन हार्ट अटैक का के बारे में कुछ बताऊंगा और कुछ आइडिया एडवाइसेस होंगी कि कैसे उससे बचा जा सकता है या क्या होता है उसमें, और कुछ इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी हार्ट का जो है वो बताया जाएगा. बेसिकली हार्ट का जो मेन फंक्शन है वो तो पंप है, तो पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है, जो कि हमारी बॉडी में 5 लीटर या थोड़ा सा डिपेंड के आदमी की सेहत या उसका उसकी कैसी बॉडी हाउ बिग इज़ दैट, तो मोर देन 5 लीटर ब्लड जो है वो पंप किया जाता है इस ऑर्गन से जिसको हम हार्ट बोलते हैं. तो बेसिकली हार्ट के 2 एट्रियम हैं और 2 वेंट्रिकल हैं, जो कि ऊपर के 2 हिस्से और बॉटम के 2 हिस्से. तो मैंने खोला इनको, तो आप इसको देख सकते हैं कि ये जो हैं ये वेंट्रिकल है, ये बेसिकली लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये राइट वेंट्रिकल है. कैसे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो हमेशा बड़ा होता है और राइट वेंट्रिकल जो है वो छोटा होता है. तो इधर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो है ये राइट हेयर एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम एज यू कैन सी इट. ओके, अब ये जो है इसको हम सेप्टम बोलते हैं. सेप्टम, सेप्टम जो है ये सेपरेट करता है वेंट्रिकल को. ओके, लेकिन जिस मेन इश्यू पे मैं जाना चाह रहा हूं कि हार्ट अटैक 99% कहां पे होता है और क्यों होता है, किस वजह से होता है, तो उसके बारे में बताना चाहता हूं. नेक्स्ट टाइम जो है मैं इसकी सर्कुलेशन और एनाटॉमी भी जो है हार्ट की बताऊंगा, ताकि आपको और आइडिया हो जाएगा कि क्या होता है. तो होपफुली मेरी उर्दू पंजाबी इंग्लिश थोड़ी मिक्स होगी, तो लेकिन जो पर्पस है वो आपकी समझ में आना चाहिए, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. सो एज इससे राइट एट्रियम जो है वो ब्लड को रिसीव करता है, तो राइट एट्रियम से जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में आता है. राइट एट्रियम से ब्लड रिसीव होके राइट वेंट्रिकल को आता है. तो जब राइट वेंट्रिकल को आता है ब्लड, यहां से आप देख सकते हैं ये राइट एट्रियम, तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ गया. जब राइट वेंट्रिकल में, तो यहां से ब्लड जो है यहां पे पुलमनरी, जिसको हम पुलमनरी वॉल्व बोलते हैं, बेसिकली यहां से वॉल्व आ जाता है बिटवीन यहां से राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व है जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व. तो ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है ब्लड वहां से जो एट्रियम में आता है उसको फिर वॉल्व के थ्रू कहाँ जाना होता है, वेंट्रिकल में जाना होता है. तो ये वेंट्रिकल में आ जाता है. तो वेंट्रिकल में आने के बाद उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता, तो ब्लड कहाँ चला जाए, तो पल्मोनिक वॉल या पल्मोनरी वॉल हम जिसको बोलते हैं, वहाँ आता है ब्लड.
फिर वहाँ जाता है, वहाँ से ब्लड आने के बाद यहाँ से पुलमनरी आर्टरी के थ्रू एक्चुअली उसका रास्ता कहाँ पे है, लंग्स में है। तो ये ब्लड जो है अब लंग्स में चला जाता है, तो जैसे ही ब्लड लंग्स में चला जाता है तो उसको CO2 ड्रॉप करनी होती है और ऑक्सीजन पिकअप करनी होती है। तो अब यहाँ से जो ब्लड एक्चुअली रिसीव हो रहा है एट्रियम में और वेंट्रिकल में, वो बेसिकली हम उसको क्या बोलते हैं, अगर मैं ये हिस्सा साथ में लगा दूँ तो इसको हम बोलते हैं स्पीरियर वीना केवा। ये जो है स्पीरियर वीना केवा जो ब्लू में है, स्पीरियर वीना केवा, स्पीरियर मतलब ऊपर और इसके नीचे शो नहीं कर रहा, लेकिन वो इन्फीरियर वीना केवा, जो नीचे का ब्लड है वो इन्फीरियर वीना केवा, और जो ऊपर से ब्रेन से और शोल्डर से चेस्ट से जो है वो स्पीरियर वीना केवा के थ्रू यहाँ से कहाँ आ जाता है, राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड फिर कहाँ जाता है, थ्रू ट्राइकस्बर वॉल राइट वेंट्रिकल में आ गया, राइट वन से पुलमनरी आर्टरी में जाना उसने थ्रू द पुलमोनिक वॉल, पुलमोनिक वॉल के थ्रू, और पुलमोनिक वॉल के थ्रू पुलमनरी आर्टरी में कहाँ जाना है, लंग्स में जाना है, और लंग में CO2 ड्रॉप करके बस उसने की ऑक्सीजन पिकअप करनी है। तो ऑक्सीजन पिकअप करने के बाद ब्लड कहाँ आता है, ये आता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड फिर आता है। तो लेफ्ट एट्रियम के बाद जब ब्लड आता है तो जस्ट लाइक के जैसे उसको राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल जाने के लिए थ्रू द ट्राइकस्पिड वाल्व जाना होता है, इसी तरह जब वो लेफ्ट एट्रियम में आने ऑक्सीजन लेके लंग्स के जब इधर आता है लेफ्ट एट्रियम में, तो फिर उसको मिट्रल वाल्व यहाँ पे आता है, यहाँ पे मिट्रल वाल्व आता है, तो मिट्रल वाल्व से उसको कहाँ पे आना पड़ता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। याद रहे कि ये जो ब्लड है जो लेफ्ट एट्री में है इसमें अब ऑक्सीजन है, इट हैज अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन, ओके। ये कहां से आ गया, माइट्रो वॉल्व में के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। अब ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये इसको हम बोलते हैं बिगेस्ट पंप, एज यू कैन सी के उसके ये देखें यहां पे उसके जो मसल्स हैं ये काफी थिक हैं, जो राइट वेंट्रिकल है आप देखें छोटा है, वो थिक नहीं है, क्योंकि उसको ब्लड कहाँ तक पुश करना होता है, पुलमनरी वॉल तक, यानी कि पुलमनरी आर्टरी, और अदर वर्ड कहाँ तक कि वो उसको लंग्स में जाना होता है। लेकिन जब लंग से होकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होने के बाद राइट लेफ्ट एट्री में आ जाता है, लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है थ्रू द माइट्रो वॉल्व। अब यहाँ से ब्लड जो है इसलिए ये थिक है इसका साइज, क्योंकि इसको पुश करना है ब्लड कहाँ पे, इसको पुश करना ब्लड ऑल ओवर द बॉडी, ओके। लेकिन जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को पुश होना है तो जस्ट लाइक जैसे राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो पुश हुआ था तो वो पुलमनरी आर्टरी में गया पुलमोनिक वॉल्व के थ्रू, तो अब यहां से जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पुश होना है वो कहाँ जाना है, वो एओर्टिक वॉल्व में जाना है, एओर्टिक वॉल्व में। तो एओर्टिक वॉल्व से सो जब लेफ्ट वेंट्रिकल पुश करता है बिग मसल्स के साथ पूरी बॉडी में ब्लड जाना है, तो वो कहां से, एओर्टिक वॉल से, और एओर्टिक वॉल से होने के बाद एज यू कैन सी कि ये हमारी जो है बिगेस्ट आर्टरी बॉडी की जो है वो है एओर्टा, एओर्टा, एओर्टा जो है बिगेस्ट आर्टरी है हमारी पूरी बॉडी में थिक। तो वो कहां से ओरिजिनेट होती है, बेसिकली एओर्टिक आर्टरी जो बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है वो कहां से, लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट, यहां से वो निकलती, ओरिजिनेट होती है। तो फिर उसको स्टमक के थ्रू होते कैसे हमारे वहां से नीचे पेट तक आते, यहां से जहां से हम इसको बोलते हैं हमारा स्पेशल पार्ट, जब हम लंग्स जब हम ब्रीद करते हैं डायाफ्रेम, यू गॉट दैट, डायाफ्रेम। तो बिगेस्ट आर्टरी ओरिजिनेट फ्रॉम वेयर, द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। अब एओर्टा जब ओरिजिनेट होता है हार्ट से, तो यहां से एओर्टे से छोटी दो आर्टरीज निकलती हैं जिसको हम बोलते हैं कॉरोनरी साइनस आर्टरी। ये जो कॉरोनरी साइनस आर्टरी है ये राइट और लेफ्ट में जाती है हार्ट के, कहां पे, राइट और लेफ्ट। जैसे ही एओर्टा यहां से, एओर्टिक वॉल्व पहले होता है, और एओर्टिक वॉल्व से जैसे ये हम देखते हैं यहां से एओर्टा रिजिनेट होता है, ठीक है, ये हम इसको बोलते हैं ट्रंक ऑफ एओर्टा। तो इधर से राइट और लेफ्ट कॉरोनरी साइनस आर्टरी है।
अब वो कॉरोनरी साइनस आर्टरी एक्चुअली क्या है, क्या करती है? बेसिकली हमने क्या कहा था कि जो लेफ्ट साइड पे ब्लड आ रहा है, जो लेफ्ट एट्रियम में आता है, वो लंग्स से आता है, फुल ऑफ ऑक्सीजनेटेड होता है। तो ऑक्सीजनेटेड होने के बाद लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू एओर्टिक वॉल में, एओर्टिक वॉल से फिर एओर्टा में, और फिर एओर्टा से फिर ब्रांचेस में, फिर ऑल ओवर द बॉडी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन जब ये बिल्कुल बॉडी से जाने से पहले, जैसे एओर्टिक वॉल से होके एओर्टा तक आता है, तो यहाँ पे दो आर्टरी, राइट और कॉरोनरी साइनस आर्टरी है, वो आर्टरी ऑक्सीजनेटेड आर्टरीज ब्लड जो है वो पूरे हार्ट को राइट और लेफ्ट साइड को ऑक्सीजन देता है, न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन देता है राइट और लेफ्ट साइड जो हार्ट की है। तो इसलिए ये दो छोटी आर्टरी जो है एओर्टे से निकलती है राइट और लेफ्ट, ताकि हार्ट की राइट और लेफ्ट साइड को फीड कर सके। एज यू कैन सी दैट, ओके, दिस इज द बैक साइड ऑफ बेस ऑफ द हार्ट, यू कैन सी दैट। लेकिन ये यही जो है, जो मैं पहले बता रहा था, जो लंग्स में जाती हैं, लेकिन मैं इधर बात कर रहा हूँ राइट और लेफ्ट एओर्टे से जो निकलती है राइट और लेफ्ट कॉरोनरी साइनस आर्टरी। अब जब ये ब्लॉकेज हो जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल, हाई फैटी फूड, जब हम कोलेस्ट्रॉल, हाई फैट में कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल इज एक, मैं कोलेस्ट्रॉल पे भी प्रेजेंटेशन दूंगा कि एग्जैक्टली कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, बॉडी में उसका क्या फंक्शन है, सेल्स में, ह्यूमन बॉडी की सेल्स में उसका क्या फंक्शन है, तो आई विल टॉक अबाउट दैट। लेकिन कोलेस्ट्रॉल और फैटी फूड से जितना कुछ भी है वो फिर ब्लड में जब चला जाता है, तो जब ये राइट और लेफ्ट कॉरोनरी साइनस में हम कहते हैं किसी को हार्ट अटैक हुआ है, तो बेसिकली सबसे पहले जो इधर से आर्टरी एओर्टा से निकलती राइट और लेफ्ट कॉरोनरी, राइट राइट आर्टरी और लेफ्ट आर्टरी जो है वो ब्लॉकेज हो जाती है, उसमें फैट आ जाती है हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से। तो जब ब्लड जो है, जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से पुश करता है एओर्टिक वॉल में जाने के लिए बॉडी के, ताकि ऑक्सीजन दे सके, तो यहाँ पे जो उसकी राइट और लेफ्ट आर्टरी कॉरोनरी साइनस हैं वो ब्लॉकेज होने की वजह से आर्टरी ब्लॉकेज हो जाती, तो वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरी तरह जा नहीं पाता, और जब वो पूरी तरह जा नहीं पाता तो हार्ट के जो मसल्स हैं उसको वो ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिस ऑक्सीजन से टिश्यूज और मसल्स को लिविंग रहना होता है, और न्यूट्रिशन की वजह से सेल्स को, जो सेल्स हैं मायोकार्डियो जिसको हम बोलते हैं, जो हार्ट के सेल्स हैं उनको लिविंग रहना होता है, तो उसमें क्या आ जाती है, उसमें टाइमिंग पीरियड में लेट हो जाता है ब्लॉकेज की वजह से, तो उस वजह से फिर हार्ट अटैक आ जाता है। और जहां भी हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, तो टिश्यूज जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो जब हमें हार्ट अटैक आता है, तो बेसिकली इट हैज सो मेनी रीजन, सो ये सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल द रीजन है कि राइट कॉर्नरी साइनस आर्टरी, लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी जो है वो ब्लॉक हो जाती है हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से, और लैक ऑफ एक्सरसाइज ना करने की वजह से भी दैट काज टू, लेकिन 99% जो ये काज है। फिर उसके साथ हम कई बार देखते हैं, हम देखते हैं ईकेजी, हम ईकेजी देखते हैं अक्सर मूवी में देखते हैं, या हॉस्पिटल में जाते हैं स्क्रीन पे ईकेजी आ रहा होता है। तो बेसिकली ईकेजी क्या है कि ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम सिस्टम, जो कि कहाँ स्टार्ट होता है, बेसिकली राइट एट्रियम से स्टार्ट होता है। यहाँ पे ऐसे नोड है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल नोड, तो वो सेंट्रल नोड जो है वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम बनाती है। तो ऐसे नोड सेंट्रिकल न्यूट्रल से फिर थोड़ी सी आगे प्रकंजी फाइबर हम इनको बोलते हैं, और ऐसे नोड जो है, ऐसे नोड से फिर एवी नोड में जाता है, तो वेंट्रल की कंट्रैक्शन होती है, तो एट्रियम की, ऊपर से एट्रियम की कंट्रैक्शन होती है और नीचे से वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन होती है। तो इसमें 0.1 सेकंड का जो है वो पॉज होता है, ताकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होती है, तो फिर यहाँ पे एक्टिविटी होती है। तो जब हम क्या अक्सर देखते हैं कि किसी को सीपीआर दिया जा रहा है, तो अक्सर हॉस्पिटल में जब देखें ईकेजी जब नजर आ रही, तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है, एक्टिविटी जो हार्ट की होती है, जब हम स्ट्रेट लाइन देखते हैं, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ इधर, कि जब हम ऐसे स्ट्रेट लाइन देखते हैं, ये वाली स्ट्रेट लाइन, तो दैट मीन्स कि हार्ट की जो एक्टिविटी है बिल्कुल खत्म हो रही है, बिल्कुल खत्म हो रही है। तो जब हम नॉर्मल साइनस रिदम जो हार्ट का है वो एक्चुअली बेसिकली ऐसे चलता है, ये नॉर्मल साइनस रिदम है कि एक्टिविटी अच्छी है, हार्ट जो है करंट जो पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक एक्टिविटी। लेकिन कई बार हम देखते हैं वी टैग उसको बोलते हैं, तो
तो वी टैक बेसिकली ये चीज़ होती है, वेंट्रिकल टैकाकार्डियो, जो कि सिर्फ वेंट्रिकल जो है कंट्रैक्ट होता है फास्ट, ऐसे ऐसे होता है। तो जब वेंट्रिकल टैकाकार्डियो सिर्फ होता है ना, तो हार्ट रेट 200 या 200 से भी ऊपर चला जाता है। लेकिन जब हार्ट रेट 200 से ऊपर चला जाता है तो हार्ट जो है वो बहुत तेज़ी से पंप कर रहा होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है हार्ट में, वो ऑक्सीजन सही नहीं आ पाती, क्योंकि इतना फास्ट फंक्शन हो जाता है कि वो सही तरीके से ऑक्सीजन पिक नहीं कर सकता। तो इसलिए उसमें अक्सर हम देखते हैं कि हम बोलते हैं कि चक्कर आ गए, या हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गई, तो आप ऐसा लगता है गिरने लगते हैं। वो यही वजह होती कि ऑक्सीजन जो है आपको प्रॉपर नहीं मिल रही, तो हार्ट रेट जो है 200 या 200 से ऊपर जा रहा है। एक होता है वी फिब, उसको कहते हैं वेंट्रिकल फिब्रिलेशन। वो जो है बेसिकली वो स्मॉल, मैंने ऐसे ये जो बनाया है बेसिकली आप देख सकते हैं ये वाली, ये वेंट्रिकल टैकाकार्डिया है। इसमें क्या होता है कि हार्ट रेट बहुत ही ऊपर चला जाता है, तो उसमें सर्वाइवल के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि हार्ट रेट इतना ज़्यादा हो जाता है और इतना फास्ट हार्ट रेट होता है कि ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं आ रही होती, तो जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, हार्ट के टोटली डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, एंड दैट्स वॉट हैपन। इसलिए उसको फिर आपको शॉक देना पड़ता है। तो वाई शॉक का वो सिस्टम कहाँ पे शॉक दिया जाता है, इसलिए बेसिकली कि ये एसे नोड और ये जो वेंट्रिकल है बॉटम का, जिसको हम एपेक्स बोलते हैं, एपेक्स पे रख के और एक यहाँ पे रख के शॉक दिया जाता है, ताकि जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है वो दोबारा आ सके और इसमें आदमी जो है वो लिविंग हो सके। लेकिन ये देखना पड़ता है मॉनिटर पे कि क्या वो वेंट्रिकल टैकाकार्डियो या बिल्कुल इलेक्ट्रिक एक्टिविटी नहीं है, अगर तो ऐसे स्ट्रेट लाइन है तो देन यू हैव गिव द शॉक। सो तो हार्ट को जो है दोबारा लाइफ देनी पड़ती है, उसके इलेक्ट्रिक सिस्टम को दोबारा जो है जनरेट करना पड़ता है। तो ये अक्सर लोगों को, मिलियंस ऑफ पीपल दुनिया में, इतने लोग हैं पाकिस्तान में, पूरी वर्ल्ड में हैं, जिनकी हार्ट बीट जो सडनली है बहुत फास्ट हो जाती है, इतनी फास्ट हो जाती है कि वो थोड़ी देर के लिए ठक 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 बम 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 ऐसे होता है, थोड़ी देर के लिए होता है फिर सीख हो जाता है। क्या हो जाता है कि हार्ट की एक्टिविटी में फ़र्क आ जाता है। अगर आपकी वो हार्ट की एक्टिविटी मोर देन 3 या 4 मिनट रहे, यू शुड गो टू द ऑक्सीजन, सॉरी यू शुड गो टू द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जब जाओ तो वो उनको बताओ क्या हुआ है, तो फिर वो आपको एक इंजेक्शन देते हैं, और वो इंजेक्शन क्या होता है, फिर वो कार्डियोवर्जन करता है, तो हार्ट रेट को कम बेसिकली करता है, तो हार्ट रेट कम हो जाता है, तो आप एक्चुअली वहाँ से जो हाई रेट आपका टैकाकार्डियो में होते हैं उसमें से नॉर्मल आप आ जाते हैं। तो दैट्स व्हाट इट इज़। तो आई होप दैट विल हेल्प। और कभी अगर ऐसा हार्ट अटैक हो, आपको फील हो कि ऐसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, तो आप डीप ब्रेथ लें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे करके ऐसे। इससे क्या होता है कि लंग्स जो हैं वो फ्लेट होते हैं और वो पुश करते हैं इस बॉटम पार्ट को, और जब ये बॉटम पार्ट पुश होता है तो दैट हेल्प्स द हार्ट टू गो इन द राइट रिदम एंड इट गेट्स द ऑक्सीजन। तो आप देखेंगे कि जो आपको पल्पिटेशन होती है, पल्पिटेशन मीन कि पल्पिट हार्ट हो रहा है, और हम जब अक्सर बोलते हैं हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो गया और मेरा हार्ट बम 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 हो रहा है, तो वो पल्पिट पल्पिटेशन हम उसको मेडिकल में बोलते हैं। जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप बोलते हैं कि मुझे पल्पिटेशन हो रही है, तो दैट पल्पिटेशन एक्चुअली गो अवे। समटाइम लैक ऑफ, अगर आप ज़्यादा सोते नहीं हैं तो दैट काज टू द हार्ट पल्पिटेशन। अगर आप एनर्जी ड्रिंक बहुत ज़्यादा पीते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रिंक्स पी रहे हैं, रेड बुल हो गया, और ये इसमें बहुत कैफीन, अगर आप बहुत ही ज़्यादा कैफीन पीते हैं तो दैट हैपन टू, इसमें घर में भी एक्सप्लेन करूँगा कि इसको हार्ट की जो रिसेप्टर होते हैं, वो जो कैफीन रिसेप्टर्स होते हैं, वो कैसे फंक्शन करते हैं और क्यों हार्ट पल्पिट होता है। तो दैट्स अनदर थिंग। तो आई होप दैट विल हेल्प यू इन ऑल दिस। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो हार्ट डिजीज के बारे में, हार्ट के बारे में, हार्ट के साइज के बारे में, हार्ट के वेंट्रिकल के बारे में, हार्ट के एट्रियम के बारे में, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ऐसा भी कोई भी सवाल आप समझते हैं आपकी फैमिली मेंबर को किसी को ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है, आपके नेबर्स को ज़रूरत है, चर्च में किसी को, पास्टर को, किसी को भी ज़रूरत है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको हेल्प कर सके मेडिकल में, प्लीज़ ब्रेन के बारे में भी आऊँगा, बताऊँगा पूरी डिटेल के साथ, ताकि आपको मेडिकल में ऐसा नॉलेज मिलेगा कि हमारे पाकिस्तानी क्रिश्चियन मुस्लिम यू ऑल विल हैव, बहुत सारा नॉलेज आपको मिलेगा, ताकि आने वाले वक्तों में आप यंग लड़के लड़की जो भी हैं आप, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ताकि जैसे हमारा हेल्थ सिस्टम है पाकिस्तान में या वर्ल्ड में, आप कहीं भी जाए, आपको अपनी बॉडी के ऑर्गन के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप किसी से बात करें या डॉक्टर के पास जाएँ तो किसी की हेल्प हो सके। आई होप यू विल लाइक दिस, आई होप इट विल हेल्प। कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ राइट मी, आस्क मी क्वेश्चन, आई विल डू माई बेस्ट टू आंसर यू। Until then, God bless you.
जहाँ भी हैं, खुदा आपके साथ हो। आमेन एंड हैव अ ग्रेट ग्रेट टाइम।